वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीरीज। सीरीज के बारे में जानना है कि मतलब कैसे रूल को फॉलो करती है, क्या करती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक नई चीज आती है, सिक्वेंस। सिक्वेंस क्या होता है? सिक्वेंस से कनेक्टेड है प्रोग्रेशन। जैसा कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जब आप सिक्वेंस के बारे में जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस से ही कनेक्टेड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। सीक्वेंस जो होता है एक नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है। इट इज ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस जो है वो नंबर का अरेंजमेंट होता है एक डेफिनेट ऑर्डर में, उस चीज को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5। ये देखिए डेफिनेट ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट है। जब किसी भी नंबर का अरेंजमेंट एक डेफिनेट रूल में, एक सर्टेन रूल के हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है, जब किसी नंबर का एक सर्टेन रूल, एक डेफिनेट रूल के हिसाब से उस नंबर का अरेंजमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। और अगर सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने लगे, सीक्वेंस अगर एक पर्टिकुलर एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे, अगर सीक्वेंस जो है वो एक पर्टिकुलर या सर्टेन पैटर्न को फॉलो करने लगे उसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगर कोई भी सीक्वेंस, सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। एक डेफिनेट रूल के हिसाब से नंबर का जो अरेंजमेंट होता है उसको सीक्वेंस कहते हैं। और कोई भी सीक्वेंस अगर सर्टेन या डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करने लगे, उसी सीक्वेंस को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो हमें प्रोग्रेशन का पता चल गया, लेकिन जो चैप्टर का नाम है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बहुत होते हैं, बहुत टाइप के प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आगे हम पढ़ेंगे सारे प्रोग्रेशन के बारे में। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। प्रोग्रेशन तो हमने आपको पता ही दिया कि भाई जब कोई भी सीक्वेंस सर्टेन पैटर्न को फॉलो करने लगे तो प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन अब इसके साथ एक नया नाम जुड़ गया, अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब वही प्रोग्रेशन एक ऐसे पैटर्न को फॉलो करे जो मैं बता रहा हूं, जिसमें से हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को अगर माइनस किया जाए तो वो सेम नंबर को दे। हर अगली टर्म में से अगर पिछली टर्म को माइनस किया जाए तो वो सेम नंबर दे, ऐसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 9, 10 and so on। ये इस तरह से सीरीज फॉलो हो रही है, सीक्वेंस फॉलो हो रही है। ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है और सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, प्रोग्रेशन क्या जाएगा? जैसे इसी से सब क्लियर हो जाएगा। ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है, सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है।